हिंदुस्तान के लोकसभा के 1920 को, तो इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना सिंधे गुट के मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूं और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस की दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार हमारे पार्टी हमारा जो अलायंस जो बीजेपी है इसमें जिस जगह काम करना है जो भी उनके निर्देश होंगे जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब एक गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का एसओजी का एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की, मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो, तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद भी तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने यह फैसला किया, हमारी पार्टी ने मेरे समर्थकों ने कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करें। पच्चीस सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालौर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष गहलोत साहब ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की तो वो मेरे वहां बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर वाटी को उन्होंने गोद लिया जो जो किया तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालौर सिरोही भी जाना पड़ेगा। एक अलावा चाहे नागौर हो चाहे जिस लेवल किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे देखते थे हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हमने और यात्रा करी हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है, यात्रा कोई नहीं हमारा चलता रहता है। ये तो आप लोग नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं है, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके ऊपर ही बात है। देखिए सरकार लालडायरी का तो ये नजर है कि आज अशोक गहलोत साहब पास किए गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लेकिन उसी बात देखना काफी कुछ होगा। 100% मतलब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने एकनाथ खड़गे साहब ने कहा है, तो इसमें तो दो चीजें बाहर आई। आपको जब विधानसभा में मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करनी थी? बिल्कुल देखिए इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है या कोई जो भी किया है वो मिलकर चुनाव उन्होंने क्या उसे सजा लगे।
कांग्रेस सलट गई उससे। देखिए उनसे कांग्रेस सलट गई। नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व तो नहीं होता। दो बार देखिए कई छोटी मोटी कोई बात होगी मिल बैठ के उसको ठीक कर लेगा। देखिए जहां भी कोई बात होगी किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुन के उनका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है। कहीं नहीं हम पूरे अब ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती। देखिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। नहीं मैं राजस्थान में करूंगा, बाहर राजस्थान के बाहर भी गई हूँ वहां भी करूंगा, अभी गुजरात के लिए करे वहां भी। मेरा एक सवाल था, पहले आप गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर शिंदे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को फिर बात को समर्थन। आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य और लाल डायरी रिलीज नहीं करी दो चार पन्ने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रख के और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने है और जो कुछ हुआ पूरे भ्रष्टाचार की बात है उस मामले के अंदर सीधा सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे सीधे आरोप लगे थे और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में आज देश के हित में और वर्तमान के अंदर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी छोटी बातें खत्म हो जाती। दो बार गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, जो बार बार सेंगावटी मेरे विधानसभा में बार बार आए थे वो तो वो तो फिर होगा। हाँ ऐसा ही कुछ वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा मुझे कहा गया कि मैं वहां मत आऊंगा। देखिए देखिए ऐसी कोई बात नहीं, अभी जो हम बैठे हैं हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है और इसकी उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। इस मामले के अंदर आप इसका मतलब आप हाँ में दे रहे हो? हाँ क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ क्या आपके निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है। सहयोगी हूँ चंद्रराज सुखी जी भी आ गए तो उनसे पूछ रहे अलायंस है यमुना क्षेत्र के शिवसेना वाला और भाजपा का पहले से है
देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर मैं शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके अंदर चुनाव की दृष्टि में जो रणनीतिक दृष्टि से दो स्टेप तक उठाए जाने कर उसको जो 10 दिन पहले होता आज और 5 दिन बाद हमारा नेचुरल अलायंस है पूरे हमारे हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंदर ये बात है साइड वाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच और सम्माननीय मेरे प्रेस के मित्रों, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के सदा सर्वा आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को समर्थन दिया। शिवसेना के साथ हमारा जो अलायंस है ये नेचुरल अलायंस है और आज महाराष्ट्र में भी हम साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में गुड़ा जी उनके पार्टी के यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और आज उन्होंने सामने आके बीजेपी को समर्थन दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम आगे चल के बहुत अच्छा मिलके काम भी करेंगे।